फुल चार्ज और उनका मुकाबला है वीजेएनएम से। और आर्यंस की तरफ से पहली ओवर करने के लिए आए हैं अभिषेक। तो चलिए इनिंग की शुरुआत करते हैं। पहली गेंद और ये जोर से घुमा के गेंद सीधी हाथ में, सिंगल से बढ़िया शुरुआत की। सभी प्लेयर और स्पेक्टेटर चीयर अप करते हुए टीम को। आर्यंस काफी जानी मानी टीम, काफी बड़े बड़े टूर्नामेंट खेल चुके हैं वो पहले ही। हौसला काफी बुलंद उनका। आर्यंस के सीनियर खिलाड़ी अभिषेक जी। दूसरी गेंद जोर से प्रहार पर, गेंद सीधी फील्डर के हाथ में। काफी बढ़िया फील्डिंग विपुल की तरफ से वहां पर। स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, दो गेंदों में दो रन। जोर से घुमा, हल्के हाथों से कलाइयों का इस्तेमाल करते हुए एक रन, तीन गेंदों में तीन रन। स्कोर कार्ड धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ, चलता हुआ मैच। आर्यंस और विजय एनएम वन, इनके ऑनर पंकज ज्वेलर्स और हुकुम भाई संकलेचा। अच्छा शॉट था ये, अच्छा क्षेत्र रक्षण। इस ओवर की ये आखिरी गेंद, देखते हैं कोई सफलता प्राप्त कर पाते हैं या नहीं। अभिषेक जोर से घुमा के मारा और दो रनों के लिए। इसी के साथ पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 7 रन बिना किसी विकेट के नुकसान पर। धीरे धीरे पेन के साथ आगे बढ़ते हुए और आर्यंस भी लगभग अपनी रणनीति के साथ चलते हुए। गेंदबाजी में परिवर्तन, दूसरी छोर से विवेक ऑफ स्पिन गेंदबाज। अपने गुगली से बड़े बड़े बैट्समैनों को उन्हें परेशान किया है बड़े बड़े टूर्नामेंट में। और ये टीम के साइड फिजियो भी है, मेडिकल डिपार्टमेंट। और ये घुमा के मारने की कोशिश, एक रन खाते में जुड़ता हुआ। काफी बढ़िया बॉलिंग विवेक की तरफ से। ग्राउंड के चार ओवर फैले हुए आर्यंस के खिलाड़ी। और ये नो का इशारा पर फिर भी विकेट मिलता हुआ आर्यंस को, पहला झटका। वीजेएनएम को पहला झटका लगते हुए आर्यंस ने सफलता, पहली सफलता प्राप्त की। बल्लेबाजी का छोर संभालने आए हैं पीयूष। जोर से घुमा के मारा पर गेंद सीधी फील्डर के हाथ में। काफी बढ़िया फील्डर ऋषभ। काफी टाइट गेंदबाजी करते हुए विवेक। जोर से घुमा के मारा है गेंद सीधे हाथ में और ये रन आउट। और एक झटका वीजेएनएम को, दूसरी सफलता प्राप्त की आर्यंस ने। हौसले बुलंद, हौसले सातवें आसमान पर आर्यंस के। और विजय नेम की तरफ से बल्लेबाजी का छोर संभालने आए अनिकेत, स्टार बैट्समैन अनिकेत। टीम का विराट कोहली कहा जाता है इन्हें। सभी स्पॉन्सर्स और ओनर्स का बहुत बहुत धन्यवाद सहयोग करने के लिए। करंट मैच विजय एनएम
और आर्यंस के बीच है। विजीनेम के ओनर है पंकज ज्वेलर्स और आर्यंस के हुकुम भाई संकलेशा और ललित जी संकलेशा, बहुत बहुत धन्यवाद। घुमा के मारा आए पर गेंद सीधी फील्डर के हाथ में, एक रन से संतुष्ट होना होगा। काफी बढ़िया फील्डिंग वहां पर सैमी की तरफ से, माफ कीजिएगा यश की तरफ से, काफी बढ़िया बॉलिंग विवेक की तरफ से। ओहो गेंद सीधी हाथ में और ये तीसरा झटका, तीसरी सफलता प्राप्त हुई आर्यंस को एक ही ओवर में तीन रन आउट आते हुए, और काफी सफल ओवर रहा ये आर्यंस के लिए। वीजेएनएम खुश नहीं होंगे, नेक्स्ट बैट्समैन जिमिक। जो दर्शक हमारे स्टेडियम में ना आ पाए, हम उनको बता दें कि वो घर बैठे भी मैच का लुत्फ ले सकते हैं। हमारी मैचेस लाइव चल रही है इस वक्त सोनी लीव पर। वर्ल्ड कप की वजह से हमें स्टार स्पोर्ट्स के ब्रॉडकास्टिंग राइट्स नहीं मिले, इसके लिए हमारी लाइव मैच सोनी लीव पर बताई जा रही है। दर्शक सोनी लीव पर मैच देख सकते हैं। आर्यंस टीम के ओनर हुकुम शंकलेश और ललित शंकलेशा इनका हार्दिक स्वागत करते हैं। कमलेश जी शंकलेशा का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। काफी समय मिल चुका है आर्यंस को अपनी रणनीति बनाने के लिए, और उतना ही समय वीजेएनएम को मिलता हुआ। अनिकेत की अभी आगे की रणनीति क्या होगी, किस प्रकार स्कोर कार्ड को और बढ़ाया जाए ताकि एक सम्मानजनक स्कोर हो और डिफेंड करने में आसानी हो। स्कोर हुआ है दो ओवर की समाप्ति के बाद 11 रन 3 विकेट के नुकसान पर वीजेएनएम 1। तीसरा ओवर पावर प्ले ओवर करने आए हैं ऋषभ। जोर से घुमा के मारा पर गेंद सीधी हाथ में, काफी बढ़िया गेंदबाजी ऋषभ की तरफ से।
सिंगल के साथ संतुष्ट होना होगा। काफ़ी टाइट गेंदबाजी, बिल्कुल हाथ खोलने का मौका नहीं दिया अनिकेत को। पावर प्ले का ओवर, देखते हैं अनिकेत इस व्यू रचना को भेद पाते हैं कि नहीं, लेकिन सिंगल से संतुष्ट होना होगा। पावर प्ले की इस ओवर में बाउंड्री पर सिर्फ एक ही फील्डर तैनात है। क्या बल्लेबाज इसका फायदा उठा पाते हैं या नहीं? VGNM के वन के ओनर है पंकज ज्वेलर्स और बॉलिंग टीम आर्यंस के ओनर है ललित भाई संकलेशा और हुकुम भाई संकलेशा। बहुत ही अच्छी बॉलिंग करते हुए, क्या बढ़िया गेंदबाजी, जबरदस्त, काफी जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन। किंग सेट और रत्नराज वन के कैप्टन से निवेदन है, टॉस के लिए आ गया है किंग सेट और रत्नराज वन। मानो रनों पर जैसे अंकुश लग चुका है, स्कोर कार्ड थमा हुआ, जोर से घुमा के मारने की कोशिश पर सिंगल से संतुष्ट होना होगा। किंग सेट और रत्नराज वन। पावर प्ले के ओवर की ये आखिरी गेंद, देखते हैं क्या कमाल कर पाते हैं। और ये घुमा के मारा लेकिन दो रन, स्कोर हुआ है 16 रन 4 विकेट के नुकसान पर। आखिरी ओवर, कमलेश भाई से निवेदन करूंगा कृपया करके टॉस के लिए आए। कमलेश भाई काफी खुश हो गए आर्यंस के खिलाड़ी, जिस प्रकार उन्होंने रोके रखा है VGNM वन को। आखिरी ओवर, अनिकेत को इस ओवर में कुछ कमाल कर दिखाना होगा, ज्यादा से ज्यादा रन बटोरने होंगे डिफेंड करने के लिए। आखिरी ओवर करने के लिए आए यश, स्ट्राइक पर अनिकेत। जोर से घुमा के मारा है, सिंगल की कोशिश की पर असमर्थ रहे, नाकामयाब, सिंगल लेने के लिए नाकामयाब। पहली गेंद डॉट गेंद, काफी बढ़िया गेंदबाजी, आर्यंस का हौसला बुलंद। और ये विकेट का पतन, जोर से घुमा के मार। किंग्स हेड वॉन द टॉस बॉलिंग फर्स्ट। जोर से घुमा के मारने की कोशिश में अनिकेत अपना विकेट गवा बैठे। और अगले बैट्समैन है साहिल, इनिंग की आखिरी चार गेंदे, देखते हैं साहिल क्या कमाल कर पाते हैं। जोर से घुमा के मारा पर सिंगल से संतुष्ट। फील्डिंग और बॉलिंग दोनों ही डिपार्टमेंट में आर्यंस अव्वल, रोके रखा हुआ है VGNM वन को। और ये वाइड, दोबारा डालनी होगी इस गेंद को, आखिरी तीन गेंदे, जोरदार प्रहार, दो रन की कोशिश पर असमर्थ, एक से संतुष्ट होना होगा। रोके रखा है VGNM वन को। आखिरी दो गेंदे, और ये मैन कैडिंग, और ये विकेट, जबरदस्त बॉलिंग का प्रदर्शन। एक से एक हीरे आर्यंस के इस ग्रुप में,
आखिरी बैट्समैन इनिंग की आखिरी गेंद का सामना करने आते हुए दुशांत, देखते हैं यश एक और विकेट लेने के लिए कामयाब होते हैं या नहीं। और अंपायर आउट, आउट, और ये विकेट मिलता हुआ, काफी बढ़िया गेंदबाजी यश की तरफ से, 19 रनों पर रोका वीजीएनएम को और ऑल आउट हुई वीजीएनएम की टीम। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ 19 रन, आर्यंस के पास काफी आसान लक्ष्य 20 रनों का चार ओवरों में। JPL 2 क्रांति लाइट्स प्रेजेंस ऑर्गेनाइज बाय नमो ग्रुप, इवेंट पार्टनर रोहित सिग्नेचर इवेंट्स, ट्रॉफी स्पॉन्सर दर्शन जैन, कैप स्पॉन्सर रोमा लाइट्स, जर्सी स्पॉन्सर शंकेश्वर ट्रेडिंग, फूड स्पॉन्सर मोक्ष ज्वेलर, यूट्यूब स्पॉन्सर भैरव ट्रेडिंग भाइंदर, टॉस का बॉस मोक्ष इवेंट्स। इन सभी हमारे स्पॉन्सर को आज का इवेंट सक्सेसफुल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार हम अपने सभी टीम और उनके ओनर नेम्स का यहाँ पधारे हुए सबको हम हार्दिक स्वागत करते हैं। लैमी 11 उनके ओनर है क्रांति लाइट्स, रॉयल 8 उनके ओनर है भैरव ट्रेडिंग कंपनी, रत्नराज जैनम 1 उनके ओनर है विमल टक्कर, महेंद्र जी मुनोत और मुन्ना जी तिवारी, वेंटा विला VJD, विकी 9 भैरव गोल्ड एंड नवामी फूड्स, VJNM पंकज ज्वेलर, नमो 11 भैरव गोल्ड, आर्यन VJD, यंगस्टर्स 8 ऑर्चिड क्रिएशन, आर्यंस हुकुम भाई संकलेशा और ललित भाई संकलेशा, रत्नराज जैनम 2 साची गोल्ड और चिंतामणि मोबाइल, गोल्डन गैंग हसमुख संकलेशा अमित जैन, जैन स्टार KPS, आदिनाथ लेवल आदिनाथ डेवलपर, NL8 मेहुल जैन, नेमिनाथ ग्रुप ASP, जैन चैलेंजर्स विनोद संकलेशा, RBK लेमी लाइट्स, किंग्स 8 जैन ग्रुप कल्याण और फाइनली JMCC रॉयल ग्रुप। सभी टीम और ओनर का बहुत बहुत धन्यवाद। ट्वेंटी रन का टारगेट आर्यंस को। VJNM की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं अनिकेत, 20 रनों को डिफेंड करना है उन्हें और आर्यंस की तरफ से इनिंग की शुरुआत करेंगे कपिल और हितेश। ओ काफी करीबी मामला हो सकता था ये, काफी बढ़िया शुरुआत, ऐसे ही गेंदबाजी उन्हें करनी होगी अगर उन्होंने 20 रन का टारगेट डिफेंड करना है तो। और ये घुमा के मारा है सिंगल के लिए स्कोर कार्ड को टिक करते हुए। और ये घुमा के मारा एक रन के लिए, धीरे धीरे स्कोर कार्ड आगे बढ़ते हुए, कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं आर्यंस को, आसानी से इस लक्ष्य को पार कर सकते हैं। नेक्स्ट मैच जोक, और ये काफी स्मार्ट क्रिकेट हितेश की तरफ से, वो जानते हैं उन्हें कोई जोखिम नहीं लेना, सिंगल सिंगल करके वो स्कोर पार कर सकते हैं। और ये वाइड, VJNM 1 को ध्यान रखना होगा कि वो ज्यादा अतिरिक्त रन ना दे अगर उन्हें इस मैच में बने रहना है तो। नेक्स्ट मैच की दोनों टीमें तैयार रहे, ये काफी करीबी मामला हो सकता था, डॉट गेंद इसी की जरूरत है VJNM 1 को।
किंग्स एट खोपोली ने बॉलिंग लिया है। नेक्स्ट मैच तैयार रहे सभी प्लेयर्स। एक ओवर 6 रन, पहले ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ है 6 रन। वीजेएनएम वन की टीम अपनी रणनीति तय करते हुए इस ओवर में उन्हें कोई ना कोई करिश्मा जरूर कर दिखाना होगा। आर्यंस अब तक एक भी विकेट नहीं खोया। आर्यंस ने धीरे धीरे लक्ष्य का पीछा करते हुए और ये वाइड और एक अतिरिक्त रन खाते में जुड़ता हुआ और ये दूसरा वाइड लाइन और लेन से चूकते हुए और ये हल्के हाथों से सिंगल के लिए खेला। काफी स्मार्ट क्रिकेट। आर्यंस जानते हैं कि लक्ष्य काफी छोटा है, इसके लिए वो कोई जोखिम नहीं ले रहे। वो धीरे धीरे खेल के अपना रन रेट सुधार रहे। आर्यंस धीरे धीरे खेल रहे पर साथ ही में उनकी नजर नेट रन रेट पर भी जरूर होगी क्योंकि नेट रन रेट काफी काम आएगा ग्रुप स्टेज में। आखिरी गेंद में कितने रन आए अंपायर इशारा कीजिए और ये और एक रन। काफी स्मार्ट क्रिकेट। कपिल धीरे धीरे स्कोर कार्ड को आगे बढ़ाते हुए और हर रन पे ललित भाई और रुकुम भाई स्माइल देते हुए। आर्यंस के ओनर काफी खुश अपनी टीम की परफॉर्मेंस से। और ये घुमा के मारा है और ये बाउंड्री की तरफ जाती हुई गेंद। दो रन। लक्ष्य के काफी करीब आर्यंस। और अंपायर का इशारा और ये विकेट का पतन। पहली विकेट का पतन होते हुए कपिल वापस जाते हुए डगआउट में, लेकिन उन्होंने अपना काम कर दिया है। अगला बैट्समैन विपुल। आर्यंस के ओनर हुकुम भाई, उनके सुपुत्र टीम में ऋषभ काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया उन्होंने। हुकुम जी काफ़ी संतुष्ट अपने पुत्र के परफॉर्मेंस से। ओनर तभी खुश होता है जब पैसा सही जगह लगता है और वो जानते हैं कि उनका पैसा एकदम सही जगह पे लगा है। दो ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर हुआ 15 रन एक विकेट के नुकसान पर। 5 रनों की आवश्यकता आर्यंस को। वीजेएनएम वन ने अभी भी हिम्मत नहीं हारी हुई। वीजेएनएम के स्टार प्लेयर अंगिनकेत एकदम चुस्त दुरुस्त और ये सिंगल। अब सारे फील्डर 30 गज दायरे के अंदर आ चुके हैं। बाउंड्री पर खाली एक ही फील्डर तैनात है। वो जानते हैं कि उन्होंने उनको सिंगल रोकने होंगे। एकदम अटैकिंग फील्ड सेट करते हुए और ये वाइड और ये कैच था पर कैच छूट गया। ये कैच नहीं छूटा, ये मैच छूटा है उनके हाथों से। और एक कैच छूटा।
पर काफी अच्छा प्रयास। तीसरे ओवर की चौथी गेंद, दो रनों की आवश्यकता आर्यंस को। क्या विपुल फिनिश ऑफ इन स्टाइल करेंगे? 22 का एक रन मिला, स्कोर लेवल होते हुए अभी सिर्फ एक रनों की आवश्यकता आर्यंस को। और ये वाइड, और एक काफी अच्छी और बढ़िया जीत हासिल की आर्यंस ने। काफी खुश आर्यंस के ओनर,